सो फाइनली अब जो है हम जेंगो को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके ये देखते हैं कि हमारा फ्रेमवर्क की डायरेक्टरी और स्ट्रक्चर ट्री स्ट्रक्चर क्या बनता है जेंगो का। तो इसके लिए वीएस कोड के अंदर हमको अपना टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में टिल्टल साइन। सो ये हमारा टर्मिनल आ गया है और जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं है, एक छोटा सा कमांड है कि पाई डैश एम पिप इंस्टॉल डी जेंगो, क्योंकि इसके लिए हमें पिप का यूज़ करना पड़ता है। सो हम सबसे पहले पाई लिखते हैं, पाई डैश एम एंड पिप, और पिप के साथ में इंस्टॉल, और इंस्टॉल क्या करना है हमें डी जेंगो को, एंटर। अगर कोड में कोई गलती होगी, कमांड में कोई एरर होगा, तुरंत हमें टर्मिनल इन्फॉर्म कर देगा कि कोई प्रॉब्लम या कोई एरर है। सो मेरे केस में क्या है कि मैंने पहले से ही जेंगो को इंस्टॉल कर रखा है कई बार, तो इसलिए मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कि पाई डैश एम पिप इंस्टॉल जेंगो। इसने क्या किया, मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है हम इसको अपडेट कर सकते हैं हमारी रीडमी डॉट एम डी फाइल में, कि इन केस अगर जेंगो को इंस्टॉल करना है तो हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो यहाँ पर हम देते हैं फॉर इंस्टॉलिंग जेंगो इन योर सिस्टम यू नीड फॉलोइंग थिंग्स बिफोर इंस्टॉलिंग डिजाइन को। क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें अगर जेंगो इंस्टॉल करना है उससे पहले सिस्टम में पाइथन होना चाहिए, और पाइथन में भी क्या, ट्राई टू इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि हमारे जो फ्रेमवर्क होते हैं जब हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो कई बार प्रीवियस वर्जन में प्रॉब्लम्स आती थी, इसलिए लेटेस्ट वर्जन पे ही हमेशा मूव करते रहना चाहिए, जिससे कुछ नए अपडेट्स भी हमें सीखने को मिलते रहते हैं। देन सेकेंड थिंग क्या है कि पाइथन अगर हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है, उसके साथ में हमारे पास पड़ा हुआ है पिप, इसके बाद में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। देन यू विल इंस्टॉल जेंगो जेंगो बाय रनिंग दिस कमांड, एंड कमांड क्या है, पाई डैश एम पिप इंस्टॉल डिजेंगो। इसके बाद में आफ्टर दैट यू ऑल्सो नीड टू हैव डेटाबेस। सो डेटा डेटाबेस के केस में क्या है कि डेटाबेस एज पर कोई भी लिया जा सकता है। सो बेस्ट केस टू यूज जैम सर्वर एंड यूज पी एच पी माई एडमिन विच ऑल्सो प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, जिससे कि हमें आसानी हो जाती है डेटाबेस और उसके टेबल्स के साथ कम्युनिकेट करने में। तो ये चार चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमें जब हम काम करते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो जैम सर्वर का फ़ायदा ये हो जाता है कि जैम सर्वर के थ्रू हमें इजीली पी एच पी माई एडमिन मिलता है, जिसपे कि हम बहुत आसानी से कोई भी मॉडिफिकेशन या रिलेशन वगैरह देखना या मॉडिफाई करना आसानी से हो जाता है। तो हमारे पास पाइथन पहले से है, पिप पहले से है, और जेंगो इंस्टॉल करना था। सो जेंगो हमने इंस्टॉल किया, और जेंगो इंस्टॉल करने से मैसेज क्या मिल गया कि ये हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। उसके साथ में एक और चीज़ क्या मिली, जब कभी भी हम अपडेट्स या कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो पिप का वर्जन अगर ओल्ड होता है तो उसका भी हमें मैसेज मिल जाता है। जैसे मेरे केस में पिप का नया वर्जन आ चुका है अभी 20.1.1, तो अभी के केस में मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर सकता हूँ। आपके पास भी अगर इस तरीके का कोई मैसेज आता है तो कोशिश करो कि पिप को पहले अपडेट कर लो, सो दैट कि फ्यूचर कोड रन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दूसरा काम क्या है कि अगर हमारे
सिस्टम में जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद में हम अब इसके थ्रू इजीली लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें कि जेंगो का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है। सो जेंगो का वर्जन चेक करने के लिए हमें क्या रन करना होता है, py -m एंड जेंगो डबल डैश के साथ में वर्जन। सो जेंगो का जो भी वर्जन पड़ा होगा हमको मिल जाना चाहिए। मिल गया वर्जन, अभी करेंटली जिस वर्जन पे हम वर्क कर रहे हैं वह है 3.0.7। सो जेंगो का वर्जन हमें मिल चुका है, जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुका है। अब आगे हमारा काम ये है कि हम अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, अभी तक जो हमने प्रीवियसली बातें की कि न्यूज़ की, आर्टिकल की, पोल्स की, कि हम कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, तो वही हम एक सिंपल सा छोटा सा ट्यूटोरियल लेकर चलेंगे और उसी के साथ हम पूरे जेंगो के फ्लो को भी समझेंगे। जेंगो के अंदर आगे पढ़ने से पहले एक और ख़ास चीज़ कि बाकी जैसे हम PHP की बात करें, क्योंकि बेस्ट अपोनेंट है PHP अगर हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, क्योंकि डेवलपमेंट में PHP बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सो PHP के अगर अंदर हम किसी भी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वो फ्रेमवर्क हमेशा स्पेसिफिक एक साइट को लेके चलता है, लेकिन जेंगो क्या कहता है कि आप एक्चुअल में कोई साइट नहीं बना रहे हो जेंगो का यूज करके, आप एप्लीकेशंस बना रहे हो और वो एप्लीकेशंस आप चाहे जितने बनाओ। तो एक्चुअल में जेंगो के अंदर क्या होता है कि जेंगो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट का नाम देते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो, और प्रोजेक्ट का नाम देते ही हम उसको क्रिएट करते हैं, उसके साथ हमें एक पैरेंट स्ट्रक्चर मिलता है। जब हमें अभी पैरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसके आगे चल के हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उस एप्लीकेशन दैट मीन्स कि ऐप का अपना एक सब स्ट्रक्चर होगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है, और हम मेरे केस में मैं एक फोल्डर बना रखा हूँ django-training। इस फोल्डर के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर एक फाइल पहले क्रिएट करता हूँ और फाइल का नाम देता हूँ installation_guide.md। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं सो दैट कि अगर कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो और कॉन्फ़िगरेशन करते समय किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो ये जो इंस्टॉलेशन गाइड है ये काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो ये जो कोड है एक्चुअल में इसको उठा के हम यहाँ से कट करते हैं एंड इसको ले चलते हैं इंस्टॉलेशन गाइड में। सो यहाँ पर हम जेंगो इंस्टॉलेशन गाइड, तो ये तो हमने बात कर ली थी कि ठीक है हमको पाइथन चाहिए, पिप चाहिए और जेंगो फिर हम इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद में हम चाहें तो MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं या जेम सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि हमको हमारा एक डेटाबेस मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं अलग से एक दे देता हूँ स्टेप्स, और स्टेप्स के अंदर मैं देता हूँ सिक्वेंस में कि हम जो जो कमांड्स रन कर रहे हैं वर्क करने के लिए। तो फर्स्ट टू यूज दिस कमांड टू इंस्टॉल जेंगो, और वो क्या है, वो सिंपली ये कमांड हो गया। इस कमांड से हमारा जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी चीज क्या है, देन नीड टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट, फॉर दैट रन दिस कमांड। सो सबसे पहले हम कमांड को खुद भी रन कर लेते हैं। रन करके हमें क्या करना है, पहले हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम सारा काम किसके अंदर कर रहे हैं, जेंगो के अंदर। तो django-admin और django-admin के साथ में हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्रोजेक्ट। स्टार्ट प्रोजेक्ट में हमें हमारे प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो बेसिकली मैं नाम क्या दे रहा हूँ, जो एक कॉमन
ट्यूटोरियल चलता है उसी के बिहाफ पे हम आगे चलेंगे, और मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ माय साइट, एंटर। जेंगो एडमिन इज नॉट रिकग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम आई। सो ओके, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैंने माय साइट, एक्चुअली इन सभी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है इससे स्पेलिंग से कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार फिर से पाई के थ्रू करना है, एंड पाई के थ्रू रन करने पे कांट ओपन फाइल डिजेंगो एडमिन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके देन, सो ठीक है, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एंड एक बार कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यही सेम कोड हम रन करते हैं। सो पाई की जगह पे पाइथन डिजेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन माय साइट, प्रोजेक्ट का नाम, एंटर। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। सो ये प्रॉब्लम आ रही है मतलब कि इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इस कमांड को सीएमडी पे रन करके देख। कभी कभी टर्मिनल पे ये प्रॉब्लम्स आती है कि टर्मिनल जो है वो इसको फेच नहीं कर पाता है इजीली। सो हम क्या करते हैं, इसको एक बार मैं टर्मिनल पे रन करता हूँ एंड जस्ट अ मिनट। सो जस्ट अ मिनट एंड एस टी डॉक्स के अंदर जेंगो डैश ट्रेनिंग, ओके, सीडी एचटीएमएल डेमो एंड जेंगो ट्रेनिंग एंड नाउ जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माय साइट। सो फाइनली ये प्रॉब्लम जो आती है, ये प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा या क्या कहते हैं वीएस कोड का टर्मिनल होता है, इस पर कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि ये जो है जेंगो के फ्रेमवर्क को इंस्टॉल नहीं कर पाता है। सो इसी चीज़ को अगर हम सीएमडी के थ्रू रन करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, वहाँ से ये चीज़ हमें रन होकर सक्सेसफुली रिजल्ट मिल जाता है। और यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला कि माय साइट नाम का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है, और क्या मिल गया हमें, मैनेज डॉट पाई। फाइनली रन होने के बाद में हमको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन करने के बाद में माय साइट सेम कोड रन किया है, यही कि डिजेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माय साइट, सिंपल एक लाइन का कमांड होता है। इससे हमको क्या मिल गया, यहाँ पर माय साइट फोल्डर मिला है जिसके अंदर मैनेज डॉट पाई, इसके बारे में भी बात करेंगे, और जो ये सारी फाइलें मिली हैं हमें, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर एक क्रिएट होकर हमको फाइनली मिला है ये पूरा का पूरा क्या है। सो हमने जो कमांड रन किया था उसको यहाँ पर लिख दें। ओके, डिजेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम, जो भी देना चाहो वो। सो ये क्या हुआ कि हमने क्रिएट कर लिया। अब जो हमको एक फाइल स्ट्रक्चर मिला हुआ है, इस फाइल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बाहर जो फाइल मिली है वो केवल एक मिली है, क्योंकि हमारा जो पूरा जेंगो का फ्रेमवर्क है वो यही माई साइट वाला है, इसके बाहर की ये फाइलें नहीं, क्योंकि ये फाइलें हम पहले से ही बनाते हुए आए हैं और इन पे हमने काफ़ी कोड लिखा भी है। जेंगो का जो फ्रेमवर्क है वो ये माई साइट के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, एक फाइल है इसके अंदर मैनेज डॉट पाई एंड एक फोल्डर है माई साइट नाम का। तो इसने क्या किया, माई साइट जो हमारे मेन प्रोजेक्ट का नाम है,
अब आगे चल के अभी हम अलग से एप्लीकेशन जो क्रिएट करेंगे वो भी इसी का हिस्सा होगा, इस बाहर वाली माई साइट का। तो पहले इसको समझ लें कि ये है क्या। माई साइट जो सबसे बाहर दिख रहा है ये हमारी एक रूट डायरेक्टरी है और इसी के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट की फाइलें पड़ी हुई हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमको मिल रही है मैनेज डॉट पाई। अगर हम मैनेज डॉट पाई की बात करते हैं सो हम यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। एंड लिखने में क्या करना है कि डिटेल ऑफ रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर जो हमको फोल्डर मिल रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो माई साइट इट्स अ रूट डायरेक्टरी। एंड इसके अलावा इसके अंदर जो हमको मैनेज डॉट पाई मिल रहा है यही सबसे मेन फाइल है। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैनेज डॉट पाई, विच इज कि ये सब कुछ मैनेज करेगा। यही जो है यही फाइल सब कुछ मैनेज करेगी। और ये एक्चुअल में करेगा क्या कि हम जब कभी भी कमांड लाइन रन करेंगे तो यही होगा जो कि इंटरेक्ट करेगा हमारे कमांड लाइन और हमारे फ्रेमवर्क के बीच में। अभी आगे चल के हम जब रन करेंगे तो देखेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा हमको एक फोल्डर भी मिला हुआ है माई साइट नाम से, सो इनर फोल्डर। और जो ये माई साइट नाम से डायरेक्टरी हमको मिली है अंदर, ये एक्चुअल में क्या है, इसने हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस थे उन सभी को इंस्टॉल कर लिया है। उन सभी फाइल्स को इसने माई साइट, जो इनर फोल्डर है माई साइट, उसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। इसी के थ्रू हम आगे चल के कम्युनिकेशन करेंगे हमारे बाकी एप्लीकेशन से जो हम बनाएंगे। एंड जो भी कोई हम क्या कहते हैं कनेक्शन करना होगा आगे चल के, जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा था एग्जाम्पल कि हम मॉडल बनाए, यूआरएल डिजाइनिंग के थ्रू हमने व्यू को कनेक्ट किया, टेम्पलेट को कनेक्ट किया, वो सारा काम भी हम इसी माई साइट जो इनर फोल्डर है इसी के अंदर करेंगे। इसके अलावा अब अगर हम इस इनर माई साइट फोल्डर को ओपन करें तो इसके अंदर हमको कुछ फाइलें मिल रही हैं। सबसे पहले इनिट, फिर ASGI, सेटिंग्स, URLs और WSGI। अगर ध्यान हो तो हमने जब ओवरव्यू देख रहे थे तो हमने ASGI एंड WSGI के बारे में बात की थी, ओवरव्यू लिया था कि ऐसा कुछ हमें आगे चल के मिलेगा। तो हमने जो ये फोल्डर क्रिएट किया इसके अंदर हमको ये दोनों के दोनों ASGI और WSGI एज अ फाइल मिले हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनर माई साइट के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या मिली है, इनिट डॉट पाई। इनिट डॉट पाई ये फाइल एक एम्प्टी फाइल है। अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर अभी कोई कोड नहीं है, ये सिंपली एक प्लेन एम्प्टी फाइल है। लेकिन ये आगे चल के काफ़ी यूजफुल होगा। इसको जब हम आगे चल के देखेंगे, वर्क करेंगे इसके अंदर, तो हमें पता चलेगा कि ये क्या क्या फैसिलिटीज़ या कैसे कैसे हेल्पफुल हो रहा है। उसके अलावा ASGI इस पे भी अभी हमें कोई वर्क नहीं करना है फिलहाल। ये क्या है, ये बस एक एंट्री पॉइंट है और ये क्या करेगा, जो हमारा सर्वर है उसको प्रोजेक्ट सर्वर से कनेक्ट करता है। इसी के लिए हम यहाँ पर हमको ये SGI फाइल मिलती है। अगर हम इसके कोड को देखें तो इसके अंदर हमको कोड मिलता है और कोड में भी यहाँ पर सबसे पहले हमको कमेंट में समझा दिया गया है कि ये क्या करता है। इट एक्सपोज द ASGI कॉलेबल एज अ मॉड्यूल लेबल वेरिएबल नेम्ड एप्लीकेशन। सो आगे चल के जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे दूसरा वाला, तो यही होगा जो क्या करेगा, हमारे एप्लीकेशन को कनेक्ट कराएगा। इसके नीचे अगर हम देखें तो क्या है, इसने OS को इम्पोर्ट किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को, लाइब्रेरी को। एंड ये यहाँ पर क्या कर रहा है, सेट डिफ़ॉल्ट, एक एनवायरनमेंट सेट किया गया है। और एनवायरनमेंट क्या सेट किया गया है कि जो माई साइट के अंदर सेटिंग्स है उससे कनेक्टिविटी कराई गई है। और किसकी कराई गई है कि एक एप्लीकेशन वेरिएबल बनाया गया है और गेट ASGI एप्लीकेशन नाम के मेथड को पास किया गया है इसके अंदर। तो ये अभी हम आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे कैसे क्या रोल प्ले कर रहा है।
इसके अलावा हमको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मिलती है, इम्पॉर्टेंट फाइल जो मिलती है वो मिलती है हमको सेटिंग डॉट पाई की। सेटिंग डॉट पाई ये सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है, सेटिंग डॉट सेटिंग्स डॉट पाई। सेटिंग्स डॉट पाई सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमें करनी होगी प्रोजेक्ट रिलेटेड वो सारा का सारा हम इसी सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर करेंगे। अगर थोड़ा सा हम देखना चाहें यहाँ पर सो सेटिंग्स डॉट पाई को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू करें देखें तो इसके अंदर पहले तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जेंगो का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है क्या है। लेकिन अगर हम कोडिंग में चले नीचे तो सबसे पहले तो बेस डायरेक्टरी एक क्रिएट की गई है जिससे कि बेस पाथ क्रिएट हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट का। उसके अलावा हमको एक सिक्योरिटी की मिलती है, ये सिक्योरिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, अदरवाइज़ आपके जेंगो प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से इंजेक्ट किया जा सकता है। सो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये सीक्रेट की आप कभी भी शेयर मत करो। दूसरी चीज़ डिबग यहाँ पर ट्रू करके रखा गया है जिसकी वजह से हमारा कोड अगर रन करता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिबगिंग उसकी होती रहेगी। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस जो डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि हमने बहुत पहले भी बात की थी कि जेंगो के अंदर हमको एडमिन पैनल पहले से मिलता है, वो ऐसे ही मिलता है कि यहाँ पर क्या किया गया है डिजेंगो डॉट कॉन्ट्राइब डॉट एडमिन, उसके साथ में ऑथ है और कंटेंट टाइप्स है, सेशंस है, मैसेजेस हैं, स्टैटिक फाइल्स, जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि एक बेस डॉट एस टी एम एल स्टैटिक फाइल हमने क्रिएट की थी जिसको कि हम बार बार यूज कर रहे थे। तो ये कुछ बेसिक एप्स जो हैं यहाँ पर हमको पहले से ही इंस्टॉल मिलते हैं। इसके अलावा मिडलवेयर कुछ हमको सिक्योरिटी सेशन रिलेटेड और मालवेयर मिडलवेयर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो हमने अभी ऊपर एप्लीकेशंस देखे हैं ऐप उनसे रिलेटेड कई सारी चीज़ें मिलती हैं। क्लिक जैकिंग की प्रॉब्लम की बात की थी, उससे हमको सेफ्टी के लिए यहाँ पर कई सारे मिडलवेयर ऐप्स जो हैं इसमें पहले से ही एक्टिव मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी रूट डायरेक्टरी का यूआरएल है उसको कॉन्फ़िगर किया गया है माई साइट डॉट यूआरएल्स। माई साइट मतलब कि ये जो अंदर वाला इनर फाइल है फोल्डर है माई साइट, इसके अंदर एक यूआरएल्स डॉट पाई है उसको कॉन्फ़िगर किया गया है यहाँ पर। इसी के बिहाव पे आगे चल के हम इसी यूआरएल्स डॉट पाई और जो आगे चल के हम एक अलग से ऐप इंस्टॉल करेंगे उसके बीच में कनेक्टिविटी कराएंगे। एक खास और पैरामीटर हमें क्या मिलता है यहाँ पर, टेम्पलेट्स। इस टेम्पलेट्स के थ्रू ही हम अपने एस टी एम एल के पेजेस को कनेक्ट कराएंगे आगे चल के, ठीक है। डब्ल्यू एस जी आई एप्लीकेशन यहाँ पर हमको मिल गया जो कि यहाँ पर माई साइट जो इनर फोल्डर है उसके अंदर एक डब्ल्यू एस जी आई डॉट पाई नाम से हमको पेज भी मिल रहा है। यहाँ पर हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कराएंगे आगे चल के। इन सारे ऑप्शंस को देख के ये समझ में आया होगा कि ये सेटिंग्स डॉट पाई जो है यही मेन हमारे फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर को सेट कर रहा है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, अभी आगे चल के हम जेंगो के एडमिन को लॉगिन करेंगे उसके लिए हमें पासवर्ड्स वगैरह क्रिएट करना होगा, वहाँ पर यही हमको मदद करेगा। एट द लास्ट लैंग्वेज डिफाइन की गई है EN-US, दैट मीन्स की इंग्लिश और US की। टाइम जोन UTC सेट है और ये दो पैरामीटर्स हैं जिसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक स्टैटिक URL स्टैटिक्स के लिए। ये क्या था, ये था हमारा सेटिंग्स डॉट पाई। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो उसके लिए कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम इस पर आगे बढ़ेंगे काम करना चालू करेंगे ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। एट द लास्ट WSGI फाइल। WSGI फाइल ये क्या है, ये भी एक एंट्री पॉइंट है किसके लिए, WGSI कंपेटेबल वेब सर्वर के लिए, जो कि किस चीज़ में हेल्प करने वाला है हमको, हमारे प्रोजेक्ट में ही। तो ये तो क्या था, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था हमारे मेन प्रोजेक्ट का। अब अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले काम क्या है कि अगर जेंगो रन हो गया, क्या कहते हैं, जेंगो इंस्टॉल हो गया है, जेंगो इंस्टॉल होने के बाद में हमको सिंपली इसे रन करके चेक करना है। तो अगर हम इसको रन करके चेक करना चाहते हैं दैट मीन्स कि इसके लिए हमें कमांड यूज करनी है। तो
हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक और पॉइंट क्या, फॉर रनिंग सेंगो प्रोजेक्ट रन दिस कमांड। और कमांड क्या है, कमांड है पाई डॉट पाई, वही हमारा मैनेज डॉट पाई फाइल का नाम, एंड देन रन सर्वर। इससे हमारा जो जेंगो है फ्रेमवर्क वो रन होगा। तो कॉपी पेस्ट एंड एंटर। सो फिर से हमें क्या एरर मिल गया, कांट ओपन फाइल मैनेज डॉट पाई। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने क्या गलती की, ध्यान देना यहाँ पर मैं किस फोल्डर एक्सटेंशन पे हूँ अभी, जेंगो डैश ट्रेनिंग पे, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माई साइट। दैट मीन्स कि सबसे पहले तो मैं आ जाऊँ मेरे फोल्डर पे, माई साइट पे। सो यहाँ पर आने के बाद में अब हम सर्वर रन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैनेज डॉट पाई जो फाइल है वो हमको जेंगो डैश ट्रेनिंग में नहीं मिल रही थी, वो हमें मिल रही है माई साइट फोल्डर के अंदर। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो फाइनली हमको एक मैसेज मिलेगा जिससे कि ये समझ में आ जाएगा कि हम सक्सेसफुली फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर चुके हैं और वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर ये मैसेज हमको नहीं मिलेगा जो अभी रन होने के बाद में हमें मिलने वाला है, पहले हम खुद चेक करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर सेटअप किए हैं वो सही से रन हो रहा है कि नहीं, वो डिपेंड करता है इसी आउटपुट पे जो अभी हमको मिलेगा। तो ये कभी कभी टाइम ले लेता है थोड़ा सा, जैसे कि इस केस में ले रहा था। सो फाइनली क्या हुआ, ये रन हो गया, और रन होने के साथ में हमको क्या मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर मैसेज हमें मिल रहा है, हम थोड़ा ऊपर से देखना चालू करें तो, वॉचिंग फॉर फाइल चेंजेस विथ स्टेट रिलोडर, परफॉर्मिंग सिस्टम चेक, सिस्टम चेक हो गया, सिस्टम चेक आइडेंटिफायर कोई इशू नहीं मिला। देन ये क्या हुआ, यू हैव 17 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, दैट मीन्स कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर 17 अलग अलग माइग्रेशंस हैं जिसको कि आपने अभी सेटअप नहीं किया, जिसमें कि क्या दिया इसने, योर प्रोजेक्ट मे नॉट वर्क प्रॉपरली अंटिल यू अप्लाई द माइग्रेशन फॉर एप्स, कौन कौन से, एडमिन, ऑथ, कंटेंट टाइप, सेशन। अभी हमने इसको कहाँ देखा था ये सब कुछ, जब हम सेटिंग्स के अंदर थे और उसके अंदर जो हमें प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिल रहे थे ये उन्हीं के नाम हैं। सो उसके लिए ये क्या कह रहा है कि आपको अगर ये करना है तो आप एक बार कमांड रन कर देना, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। उससे क्या होगा, ये जितने भी आपके ऐप थे जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है वो सारे के सारे सेटअप हो जाएंगे। क्या रन करने से, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। और इसके बाद में हमें क्या मिल गया कि आज की डेट और टाइम जब हमारा ये फ्रेमवर्क पहली बार रन हुआ, और फ्रेमवर्क का वर्जन यहाँ पर मिल गया है, एंड देन हमको वो यूआरएल मिल गया जिसको कि हम ब्राउज़र में ले चल के कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें सक्सेस का मैसेज मिलेगा। सो इसको हम कॉपी करते हैं। सो हमने क्या किया, बिल्कुल हमने ये यूआरएल यहाँ से कॉपी किया, ये यूआरएल हमेशा हमें सेम मिलेगा, ये एक आईपी एड्रेस है एक्चुअल में, और आईपी एड्रेस पे हमको एक एक्सटेंशन मिला है 8000। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके ले चल के हमने जब यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के साथ में एंटर करने पे हमको द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कॉन्फिग्रेशंस कंप्लीट है। अगर ये हमको मिल जाता है दैट मीन्स कि हमारा डिजेंगो रन कर चुका है, चल चुका है सक्सेसफुली। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्क होगा वो क्या होगा हमारा, कि हम इसके अंदर अलग से एक एप्लीकेशन बनाएंगे, और एप्लीकेशन बना के हम उस पर वर्क करना चालू करेंगे। अभी तक का जो ये काम था ये था कि हमने एक फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर मिल रहा था हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम वर्क करेंगे कि हमको जेंगो की साइट पे एक पोल का एग्जाम्पल मिलता है, ट्यूटोरियल मिलता है पूरा, हम उसी ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए इसको बाकायदे लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे कि कैसे पूरा का पूरा वर्क और फ्लो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम जेंगो को यहाँ पर एक बार रन कर देते हैं, सर्वर जब एक बार रन हो जाता है तो यहाँ पर हम जो कोड अब रन करेंगे या जो कोड भी हम फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखेगा, हमें बार बार आकर यहाँ पर रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है पेज को। ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि पीएचपी के अंदर क्या होता है,
पीएचपी के अंदर डिफॉल्ट केस में हम किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर अगर वर्क कर रहे हैं तो हमें बार बार उसको चेंज करने के बाद में रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन जेंगो के अंदर ऐसा नहीं है, एक बार हमने सर्वर को यहाँ पर रन कर दिया ये ऑटोमेटिक, अगर गौर करो तो यहाँ पर ये अभी कंटिन्यूस चल रहा है, अदरवाइज़ हम जब भी कोई कमांड रन करते हैं तो कमांड एंड हो जाता है, बट ये कमांड अभी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है इसी से हमें समझ में आ जाता है कि हम कुछ भी चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिक सेंस करके उसका अपडेट ब्राउज़र पर हमको रिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो आज का हम वर्क यहीं पर एंड करते हैं, और कल हम क्या करेंगे, जेंगो जो आज हमने इंस्टॉल किया है इसके अंदर हम कल एक ऐप बनाएंगे, और ऐप का सेटअप करने के बाद में हम उसके अंदर कोड करना चालू करेंगे। जैसे जैसे कोड करते हुए आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अलग अलग फंक्शनैलिटी जेंगो फ्रेमवर्क की समझेंगे, और एट द लास्ट हम एक अपना कंप्लीट ऐप बना लेंगे, ठीक है। सो कल हमारा काम रहेगा कि हम इसके अंदर एक छोटा सा ऐप बनाएंगे।